देखिएगा टेम्परेचर कैसे चेक करना चाहिए। तीनों लड़का पहले से ही काम, उन्होंने बोला नहीं नहीं तीन यार नहीं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ढक्कन कैसे लगाया आप लोग तो देखिए दोस्तों। ये हार्मेटिक कंप्रेसर है और इसको चेक करने का मैं तरीका बताऊंगा। कस्टमर ने बताया कि ये वाला कंप्रेसर है ना वो चल नहीं रहा है और ट्रिप कर रहा है, बीच में कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, ऐसा है। तो कैसे चेक करना है सब कुछ बताऊंगा। देखो सबसे पहले इसमें शॉर्ट लगा करके हमने चेक किया है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि नहीं, मेरा मीटर अच्छा क्यों हो रहा है दोस्तों। और एम्पियर भी ना 72 ले रहा है, 74 ले रहा है, इतना ज़्यादा एम्पियर ले रहा है। इससे पहले दोस्तों ये मीटर की जगह कोई दूसरा मीटर था, ठीक है। अभी तो ये मीटर अच्छा वाला लाया, महंगा वाला हमने। तो देखो ये पूरा यूनिट है दोस्तों, मैं कंप्लीट बताऊंगा कि हार्मेटिक कंप्रेसर कैसे चेक करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले तो दोस्तों आप मीटर को ना कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना, या फिर हिंदी में बोलूँ तो आप बजर पे सेट कर लेना। बजर पे सेट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे एक प्रॉप्स रखना है कंप्रेसर के टर्मिनल पे, दूसरा बॉडी पे, ठीक है। कंप्रेसर के बॉडी पे कहीं पे भी, ठीक है, अगर वहाँ पे पेंट वगैरह लगाओ तो पेंट को वहाँ से छुड़ा दी, जैसे कि पाइप पे जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वहाँ पे पेंट छूटा हुआ है। और यहाँ पे आप सभी को कंटिन्यूटी बज रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे नीचे भी दिखा रहा होगा सभी को कंटिन्यूटी बज रहा है, यानी कि ये बॉडी के साथ अर्थ हो गया, जिसके कारण ना इसमें शॉर्ट हो रहा है। अगर ये अर्थ नहीं होता तो ये इस तरह से शॉर्ट सर्किट नहीं होता दोस्तों, जो कि मैं डायरेक्ट चला रहा था उस वक्त। और डायरेक्ट चलाते वक्त अगर ये शॉर्ट सर्किट हो रहा था तो इसका रीज़न यही है कि दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें दो तीन टेक्नीशियन पहले से आकर के इसको चेक कर रहा था, तो मैं बाद में आया, मुझे बुलाया गया था तो मैं आया हूँ, तब मैं चेक किया उसको। तो दोस्तों देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा था, क्योंकि जो पहले जो टेक्नीशियन आया था ना उसको करंट लगा था, ठीक है। और बजर पे ये मीटर सेट है, जैसे कि मैं बजर पे रख के चेक किया हूँ, आप सभी को पता ही है। और देखो इसका तीनों टर्मिनल, इसका जो सबसे ऊपर वाला टर्मिनल है कॉमन वाला, वो मतलब शॉर्ट हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉन्टेक्टर है, फिर इसके बाद रिले है और कैपेसिटर दो दो लगा हुआ है। इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, पता है ख़राब क्यों हुआ होगा, मैं आप सभी को बताता हूँ ख़राब क्यों हुआ होगा। यहाँ पर ख़राब होने का रीज़न होगा दोस्तों, इसका पंखा चेंज हुआ है, ठीक है। पंखा किसी और टेक्नीशियन ने चेंज किया इस पर पहले, ठीक है। तो उसने क्या करा, यहाँ पे छोटा पंखा लगा दिया, बड़ा पंखा की जगह पे छोटा पंखा, जैसा कि सफ़ेद वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो उसको रिप्लेस किया, जबकि इससे बड़ा होना चाहिए यहाँ पे पंखा। और क्या हुआ कि होगा कि एसी हाई एम्पियर ले होगा, एसी हाई एम्पियर लेने के कारण क्या होगा कि ये जो कंप्रेसर है वो दोस्तों हीटिंग के कारण ख़राब हुआ होगा। मेरे को तो और कोई दूसरा रीज़न लग नहीं रहा है, क्योंकि इतना हेवी कंप्रेसर है ये तो ख़राब नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो दोस्तों इस जगह पे है, यहाँ पे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह सुबह का मौसम है, ये लगभग सुबह का 7:30 बज रहा है। और ये देखो यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है यार, सुबह सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों जो कंप्रेसर ख़राब हुआ है, मैं रीज़न बताया हूँ सभी को कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें फ़ैन ब्लेड है ना दोस्तों, वो मतलब के छोटा लगा दिया था, उससे हीटिंग रिमूव नहीं हुआ होगा। अब तुम बोलोगे वो लोग एम्पियर चेक किया होगा कि नहीं, तो मैंने पूछा कि भाई तुमने एम्पियर चेक किया था कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि नहीं मैंने एम्पियर चेक नहीं किया था, सिर्फ पंखा चेंज कर दिया था और चला गया था। और यहाँ पे देखो दोस्तों इसको डायरेक्ट चलाते हैं कैसे, यहाँ पे दो टर्मिनल लगा हुआ है, एक तो दोस्तों स्टार्टिंग है, सॉरी एक तो रनिंग है, एक कॉमन दे दिया, बाकी स्टार्टिंग तो अंदर ही में लगा हुआ है। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को शॉर्ट किया है, जो कि पीला वाला वायर है वहाँ पे कॉमन है, बाकी रनिंग वाला दूसरा वाला वायर है, ठीक है, न्यूट्रल वाला, तो दोनों का आपस में शॉर्ट किया। इससे पहले ये वाला मीटर था जो कि पीला वाला लटक रहा है, तो पीला वाला मीटर से तो भाई कुछ भी सही से पता नहीं चलने वाला था, इसीलिए ब्लैक वाला मीटर मैंने लेकर आया था, उससे इसका जो अर्थिंग था वो पता चल गया। जबकि ये वाला जो पीला वाला मीटर दिख रहा है आप सभी को, पीला वाला कलर मीटर, उससे क्या हो रहा था कि उससे शॉर्ट नहीं दिखा रहा था, लेकिन जो मैं लेकर आया मेट रवि का जो ये वाला, देखो ये वाला, इसमें जब मैं चेक किया इसका ग्राउंडिंग, तो भैया ये था क्या, आप सभी को पता ही हो कि ये शॉर्ट था, ठीक है। मैं आप लोगों को चेक करके भी दिखाया, मैं एक बार और आप सभी को चेक करके दिखा दूंगा कि वो ख़राब है कि नहीं। देखो दोस्तों मेट रवि का अच्छा खासा मतलब मल्टीमीटर है, वरना ये सबको पता भी नहीं चलता। यहाँ देखो एसी चल गया है, देखो यहाँ पे एसी रन हो गया है, पर ये कंप्रेसर नहीं चल रहा, बहुत हाई एम्पियर ले रहा है, 72, 74, 75 ले रहा है, इतना ज़्यादा एम्पियर ले रहा है ना ये। तो मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि अगर चेक करना हो तो कैसे करना हो, भाई कभी भी एसी को ना हाथ से नहीं छूना चाहिए, अगर हाथ से छूओगे ना तो क्या होगा कि भाई करंट मार सकता हो, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे कि बॉडी से जब हमने चेक किया इसको, अर्थिंग ग्राउंडिंग चेक किया था, तो ये शॉर्ट सर्किट बता रहा था कंप्रेसर, और ये एम्पियर वगैरह अभी नहीं ले रहा है, पर जब इसको शॉर्ट करेंगे हम लोग, चलिए इसको शॉर्ट करके देखते हैं, सीधा बहुत ज़्यादा एम्पियर लेने लगता है ये।
वही यहाँ से हो रहा है, देखो देखो। और यहाँ से शॉर्ट किया हमने, बहुत ही एम्पियर लेने लगता है भाई। अभी तो 0.4 है, बट 74-75 लेने लगता है। अभी तो नहीं आ रहा, चला ही नहीं तो आएगा कहाँ से। धुआं धुआं हो गया था टर्मिनल के पास। और ये तीनों लड़का पहले से ही काम कर रहा था, बाद में मैं यहाँ पे आया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे देखने के लिए। तो मैंने बता दिया ये कंप्रेसर ख़राब है, अगर चेंज करवाना है तो कर देंगे हम। बाकी इसका जो पैसा लगेगा वो लगेगा 3,000 रुपये चेंज करने का, बाकी जो भी ख़राब रहेगा सब कुछ सही करके दूंगा 3,000 में। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं 3,000 नहीं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ढक्कन कैसे लगाया आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ढक्कन क्या करा, ऊपर से एक लकड़ी का फट्टा रख दिया है, फिर ईंटा रख दिया, बस हो गया। ऐसे में शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है, आग भी लग सकता है। तो आप लोग ऐसा लापरवाही नहीं करेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, एंड बाय।